हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एस आर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ओके, हमने अभी तक जो अगले लेक्चर में हमने देखा था ओनली रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में और ओनली एक इंडक्टर सर्किट के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई एसी करंट हमने कैसे प्रोड्यूस किया। तो एसी करंट का मेन सोर्स होता है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में हमको ख्याल आया कि भाई इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। जब वो कॉइल रोटेट होगी तो उसका फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है इट इज़ अ नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसकी पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसका ग्राफ बनता है, साइनोसोइडल ग्राफ बनता है, ठीक है। ओके, ध्यान आफ्टर दूसरा हमने क्या स्टडी किया कि भाई वो जो इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज द एसी करंट। और डीसी करंट और एसी करंट में क्या क्या डिफरेंस है कि भाई डीसी करंट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली ड्रिप होता है, बट एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में एक ही प्लेस पे ओनली फॉर वो ऑक्सीलेशन मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। ओके, तो जो उसका इक्वेशन था वो इसका इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसमें हमको मालूम पड़ा कि वो ओनली फॉर ऑक्सीलेशन मोशन करता है और ऑक्सीलेशन मोशन इट इज अ नॉट एवरेज वेलोसिटी मोशन। उसकी मोशन कैसे होती है कि भाई उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, ठीक है। देन आफ्टर उसका जो इसका जो उसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी पीरियोडिकली उसकी चेंज होती है। देन आफ्टर उसको हमको मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल थी, एक कंपोनेंट मेथड एंड देन आफ्टर सेकेंड इज इफेक्टिव मेथड, इफेक्ट मेथड, ठीक है। ओके, तो कंपोनेंट मेथड से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दूसरी मेथड को हमने अप्लाई किया और आप कोई एक हीट इफेक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो और केमिकल इफेक्ट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और मैंने आपको दो एग्जांपल भी दिया था मैग्नेटिक और हीट इफेक्ट का। देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिला, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज ए डीसी करंट, बट हमको फाइंड आउट करना है भाई एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एसी करंट फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, वो तो वेरिएबल होती है और वन टाइम पीरियड का उसका एवरेज हम निकालते हैं तो भी वो जीरो हो जाते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल थी, वो मेथड में हमने क्या किया कि भाई हम वर्क डन करवाते हैं डीसी से और जितना वर्क डन करती है इतना ही एसी करंट वर्क डन करती है, चलाया वर्क डन ड्यूरिंग द वर्क डन ड्यू टू द डीसी करंट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू द एसी करंट। ओके, तो दोनों का वर्क डन सेम है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जितनी आपने डीसी सप्लाई की वही आपकी एसी है, बट हमको डीसी नहीं मिलती है, हमको स्टार्टिंग में क्या मिलती है, हमका मीन्स के इंड्यूस ईएमएफ हमारा जनरेट होता है तो हमको एसी मिलती है ना। तो एसी के साथ हमने इफेक्टिव जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है उसके साथ हमने एक रिलेशनशिप बनाया, ठीक है। ओके, जना पर वो रिलेशनशिप बना के हमको मालूम पड़ा कि भाई इफेक्टिव जो हमारी फाइंड आउट हुई थी वो एक आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट हुई, रूट मीन स्क्वेयर। देना पर उसके हमने रिलेशनशिप भी देखी थी। देना पर हमने ऐसा भी स्टडी किया हुआ था कि भाई अगर एक कैपेसिटर है उसको हमने एसी के साथ कनेक्टेड कर दिया तो पूरी हाफ मीन्स के वो हाफ साइकिल में उसके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज की क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट और आप हाफ क्वांटिटी में हाफ टाइम में आप उसकी पोटेंशियल भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट कंप्लीट वन साइकिल का उसका चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाफ साइकिल में उसका चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और सेकेंड हाफ साइकिल में उसका चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने देखा था कि भाई फेज डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो फेज डिफरेंस के बारे में हमने देखा था कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एसी सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ और हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है एट द सेम टाइम पे पीक वैल्यू पे आए और सेम टाइम पे जीरो पे आए और सेम टाइम पे नेगेटिव पे आए और वापस सेम टाइम पे जीरो पे आए, उसमें टाइम का वेरिएशन भी हो सकता है। और टाइम का वेरिएशन को हमने एक फेज के रेफरेंस में हमने फाइंड आउट किया और हमने फेज डिफरेंस के बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, ध्यान आप हमने देखा था प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में हमने देखा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ उसका मैंने आपको सेवन स्टेप बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आपको ड्रॉ करना था सर्किट डायग्राम और सेकंड स्टेप था आपका इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन, थर्ड स्टेप था आपका इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन निकालना, ध्यान आप फोर्थ स्टेप था अपोजिशन ऑफ करंट निकालना। ओके, फोर्थ स्टेप आपका था एक फेज डिफरेंस को आपको मेजरमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो ई की इक्वेशन मिल रही थी वो ई नॉट साइन ओमेगा टी थी और आई की भी इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी थी, तो दोनों का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा जीरो,
ओके देन आपने जो फेज डिफरेंस जीरो होता है तो जो दोनों का दोनों की जो पीक वैल्यू होती है वो एक ही टाइम पे सेम ही आएगी, ठीक है। ओके तो ऐसा हमने एक वेव डायग्राम भी ड्रॉ किया और फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया और जो अपोजिशन हमने फाइंड आउट किया तो अपोजिशन हमको मिला रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रिक्वेंसी। अगर आप एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा या कम करने से उसका अपोजिशन जो फैक्टर है वो कम या डिक्रीज नहीं होने वाला है। जहाँ पर हमने सेकंड देखा था इंडक्टर सर्किट, तो इंडक्टर सर्किट में भी हमने सेम देखा था बट इंडक्टर सर्किट का जो करंट का इक्वेशन था वो करंट का इक्वेशन हमको मिला था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई बाई टू और पोटेंशियल का इक्वेशन था हमारे पास ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, करंट इज लैग, करंट कितनी लैग हो गई, पाई बाई टू लैग हो गई, करंट इसके पीछे रह गई, पाई बाई टू जितनी पीछे रह गए तो फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट होगा, फेज डिफरेंस हमको मिला था पाई बाई टू। ओके देन आफ्टर उसकी रेफरेंस में हमने उसका वेव डायग्राम निकाला और फेजर डायग्राम भी निकाला और अपोजिशन ऑफ करंट भी निकाला, तो अपोजिशन करंट हमको मिला ओमेगा एल। तो ओमेगा एल को हम क्या बोलते हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस हम बोलते हैं और उसका यूनिट भी हमने निकाला था ओम, उसका यूनिट है, ठीक है। ओके तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्रिक्वेंसी। अगर हम एसी सर्किट को हम अप्लाई करेंगे, एसी सोर्स के साथ हम अप्लाई करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो अपोजिशन ऑफ करंट ज़्यादा होगा, अगर अपोजिशन ऑफ करंट ज़्यादा होगा तो आपका जो सर्किट का करंट है वो हो जाएगा डिक्रीज। इसलिए एसी सर्किट आप लगाएंगे, एसी सोर्स आप लगाएंगे तो एसी सोर्स से आपकी सर्किट का करंट हो जाता है ब्लॉक, ठीक है। देना पर अगर आपने जो डीसी करंट को भेजा तो डीसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, तो आपका अपोजिशन ऑफ करंट हो जाएगा जीरो, तो आपका जो मेन आपका जो सर्किट का जो करंट है वो हो जाएगा मैक्सिमम। सो दैट डीसी इज अलाउड बट एसी इज नॉट अलाउड। देना पर हमको नेक्स्ट थर्ड आपको देखनी है एक कैपेसिटिव सर्किट। ओके मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, बट क्या प्योर पॉसिबल है, प्योर पॉसिबल नहीं होती है, कैसे नहीं होती। जैसे कि मैंने ले लिया कि भाई प्योर इंडक्टर सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट मैंने ले लिया तो वो क्या करना चाहिए, करंट का अपोज करना चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है और कॉइल के साथ यहाँ पे क्या होती है, एक सिंपल सी का तार होती है ना, तो सिंपल सी तार में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा और कोई भी सिंपल सी तार हो इसमें क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में रेजिस्टेंस को होता ही है, ठीक है। तो ओनली फॉर इंडक्टिव सर्किट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे जो सिंपल तार होगा वो सिंपल तार में एक आपका करंट जाएगा तो उसके पास भी एक स्मॉल अमाउंट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है। तेना पर मैं नेक्स्ट देखा कि भाई प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है हमारे पास एक सिंपल सा एक तार वाला रेजिस्टेंस है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपनी कॉइल पे लिंक होती है तो सेल्फ इंडक्टेंस जैसा हो गया, तो वो भी कैसा बिहेव करेगा, एक इंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। बट हमने तो ओनली पर लगाया है रेजिस्टेंस, तो भी स्मॉल अमाउंट में इंडक्टर आ जाती है और कैपेसिटर भी आ जाता है। कैसे कैपेसिटर आ जाती है, देखिए कि भाई आपने बैटरी के साथ कनेक्टेड किया तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, कि भाई पहले चार्ज को पोटेंशियल देगा, तो चार्ज ने क्या कर लिया, एनर्जी स्टोरेज कर ली, तो चार्ज ने एनर्जी स्टोरेज कर ली तो उसको हम बोलते हैं भाई कैपेसिटर। तो आपकी एसी सर्किट में, एसी सर्किट आप कहाँ पे यूज़ करते हो, अपने हाउस में, अपना फैन चलाते, एसी चलाते, लाइट चलाते, कोई भी इक्विपमेंट आप चलाते हो, और सभी इक्विपमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होती है, सभी इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर प्रेजेंट होती है। तो हमको ये सिलेबस में क्यों इंडिविजुअली दे रखा है कि भाई प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, आपकी तो ऐसे ही थ्री थियरी ऐसे इंक्रीज हो गई, तो ऐसा क्यों उस लोगों ने दे रखा है कि भाई ऐसा होता है कि हमने ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट लिया है तो इंडक्टर सर्किट का जो इंडक्टर का जो करेक्टरिस्टिक है वो मैक्सिमम है विद कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस एंड कंपैरिजन टू कैपेसिटर, ठीक है। इसमें हमने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ओनली फॉर हमने इंडक्टर लगाया है तो वो वाली जो सर्किट है वो करंट का अपोज करेगा ही, बट ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई दिस इज अ प्योर इंडक्टर, बिकॉज एक सिंपल सी तार में एक रेजिस्टेंस भी अवेलेबल होती है और वो सिंपल सी तार में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराएंगे तो उसका चार्ज का पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, देन आफ्टर वो करंट को ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो पहले क्या करेगी, एनर्जी को स्टोरेज करेगी, भाई एनर्जी को स्टोरेज करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक कैपेसिटर हम बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम कैपेसिटर को भी निगलेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की कंपेरिजन में वो जो इंडक्टर है
इंडक्टर की वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसा सेम हम कैपेसिटर में हम सोच सकते हैं और एक रेजिस्टेंस में हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके तीनों तीन का हमको बिहेवियर पता होना चाहिए कि भाई ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट की करेक्टरिस्टिक मैक्सिमम हो तो सर्किट की करेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होगी, और ओनली रेजिस्टेंस है तो सर्किट का बिहेव कैसे आएगा वो हमको मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमारी लास्ट वाली सर्किट जो बाकी थी वो हम देखते हैं ओनली कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। ओके, तो टुडे हमको देखना है कि भाई प्योर कैपेसिटर और एसी सर्किट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो 7 स्टेप था इसको ही आपको फॉलो करना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप कौन सा था, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। तो आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना है, दिस सिंबल इज नोन एज अ कैपेसिटर, इसमें दोनों प्लेट आपको सेम रखनी है, ठीक है, बैटरी नहीं बना देनी है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैटरी बना देता है, एक लाइन और लंबी कर देता है और एक लाइन छोटी कर देता है, उसको हम बोलते हैं डीसी बैटरी, और उसको हमने कनेक्ट करना है एक एसी सोर्स के साथ। दिस सिंबल इज नोन एज अ एसी सोर्स। ओके, ये हमारी हो गई कैपेसिटर की सर्किट डायग्राम। देन आप लोग हमको क्या करनी है, उसका पोटेंशियल का इक्वेशन को दिखना है। सेकेंड हमारा स्टेप था पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमने एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है, सो देट उसका पोटेंशियल क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट हमको निकालनी है करंट, तो करंट को हमको डिराइव करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप है करंट, करंट हमको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे रेजिस्टेंस में हमको, रेजिस्टेंस में भी हमने डिराइव किया था, इंडक्टर में भी हमने डिराइव किया था, तो कैपेसिटर में भी आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिराइव करेंगे, आप सोचिए कि भाई कैपेसिटर का चार्ज का इक्वेशन आप सोचिए, कैपेसिटर का चार्ज का इक्वेशन क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी वी था ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ओके, व्हाट इज अ वी, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज अ सी, सी इज अ कैपेसिटर एंड क्यू इज अ चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल के बदले मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आपने जो सप्लाई किया है वो ईएमएपी में लिख सकता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल के बदले आपने जो सप्लाई किया है वो ईएमएपी आप लिख सकते हो। ओके, देन आप मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इन दोनों बोथ साइड मैं यहाँ पे डिफरेंशियल ले लेता हूँ, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट, सी इज अ कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी टी इन टू वी। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे सी तो कॉन्स्टेंट है, डी की अपॉनिटी को हम क्या बोलते हैं, बाय चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे डी अपॉन डी टी और यहाँ पे सी इंटू ई, वी के बदले हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, बट यहाँ पे सी और ई नॉट तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ, C नॉट इज कॉन्स्टेंट, सो दैट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, डिफरेंशियल आपको करना है साइन ओमेगा टी का। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, और टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, और ओमेगा को आप मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, ये आ गया करंट की इक्वेशन, ठीक है। बट आपको करंट की इक्वेशन आपको कैसे लिखनी है, देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा, या तो ओमेगा सी, आप कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ख्याल आया आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी करंट की फॉर्मूला फाइंड आउट हुई। ओके, बट नेक्स्ट आपको क्या करनी है, देखिए इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला, देखिए ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है, भाई ये अच्छा नहीं लगता है, हमको क्या करना पड़ेगा, कहा तो एक कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहा तो के वाली साइन को आपको कॉस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि भाई एक कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो एक कोस को हम साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, आई इज इक्वल टू ई नॉट वन अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। देखिए भाई कोस का साइन में कन्वर्ट करना है, कोस का साइन में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास दो मेथड होती है ना, क्योंकि जो आपकी जो कोस होती है वो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स कि आपकी जो साइन है ना वो साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि भाई एक कोस को आपको साइन में कन्वर्ट करनी है,
कॉस ओमेगा टी को आपको साइन में कन्वर्ट करनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि अब फर्स्ट क्वार्टर हो गया और फर्स्ट क्वार्टर में साइन इज अ पॉजिटिव, सो देट यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाला इक्यू रखा, पाया माइनस वाला इक्यू नहीं रखा, ये पॉजिटिव वाला इक्यू रखा। देखिए यहाँ पे जो आपका इंडियस एम का इक्वेशन में जो ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी के साथ हमको कंपैरिजन करनी है। ओमेगा टी क्या है, एक्चुअली हमारा फेज है, तो फेज के साथ हमको कंपैरिजन करनी है। बट यहाँ पे फेज माइनस में है या प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे भी हमारा फेज किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो माइनस में है, माइनस के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमको किसके साथ कंपैरिजन करनी है भाई, एक्चुअली फेज के साथ हमको कंपैरिजन करनी है। तो फेज यहाँ पे ओमेगा टी इज अ पॉजिटिव, सो दैट हमारी जो आई की जो इक्वेशन बनेगी ना, तो इसमें भी आपकी ओमेगा टी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओमेगा टी इज अ पॉजिटिव, तो ए वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई नॉट वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो दोनों का फेज क्या सेम है, सेम नहीं है। तो दोनों का फेज किस में सेम था, रेजिस्टेंस वाली सर्किट में सेम था। देखिए आप इसमें तीनों तीन को आपको कंपेरिजन करके याद रखना पड़ेगा, वैसे आप रट्टा मारोगे तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेजिस्टेंस सर्किट में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं था, और उसका जो अपोजिशन ऑफ करंट था इट इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमको पहले तो यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पे आपकी करंट इफेक्टिव करंट आपको मिली, बट हमको मैक्सिमम करंट निकालने के लिए कि भाई देखिए कि भाई ए जो वाली करंट है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वो टी की वैल्यू पे डिपेंड है, वो टी हमारा जो टाइम है इज अ कंटिन्यूसली इज अ चेंजिंग, सो देट ओमेगा टी इज अ चेंजिंग, सो देट फेज इज अ चेंजिंग, और साइन की वैल्यू भी चेंज होती है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, तो साइन की कब मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई वन। ओके, तो करंट मैक्सिमम को निकालनी है, वैन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू वन इज पुट इन द इक्वेशन नंबर वन, सो दैट आई इज कन्वर्ट इन टू द आई नॉट ई नॉट अपॉन क्या हम लिख सकते हैं, वन अपॉन ओमेगा सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या इक्वेशन बनेगी कि भाई ये जो आपकी फॉर्मूला है ये वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर वन में। ओके, तो पुट इज दिस वैल्यू इज इक्वेशन नंबर वन, सो दैट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आपकी आ गई करंट की फॉर्मूला, ठीक है। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके, अभी तो ओनली फॉर थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, आपको सेवन स्टेप तक जाना है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेप कौन सा था, हमारा फोर्थ स्टेप ये था कि भाई हमको फेस देखना है कि भाई दोनों का फेस सेम है या सेम नहीं है, तो कौन लीड है और कौन सा लेग है, वो भी हमको निकालना है। ओके, तो हम फेस पे हम चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा फोर्थ स्टेप है फेज, तो इसमें हमको पहले ई की इक्वेशन हम लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, देन आप करंट की इक्वेशन लिख देते आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखिए ऐसी फॉर्मूला हमने इंडक्टर में निकाली हुई थी, याद आया आपको, इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, इसमें करंट पीछे था, इसमें करंट आगे है, कैपेसिटर में करंट आगे है, कितना आगे है, पाई बाई टू जितना आगे है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इज लीड ई बाई फेज पाई बाई टू, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल इज लैग आई बाई फेज पाई बाई टू। तो आपकी करंट लीड है ई की कंपैरिजन में पाई बाई टू जितनी, और आपका पोटेंशियल लैग है करंट के कंपैरिजन में पाई बाई टू जितना, ठीक है। ओके, देन आप हमारा फाइव स्टेप कौन सा था, हमारा फाइव स्टेप था अपोजिशन ऑफ करंट, ठीक है। अपोजिशन ऑफ करंट इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, अपोजिशन ऑफ करंट। ओके, अपोजिशन ऑफ करंट हम कैसे निकालते थे, रेशियो ई नॉट अपॉन आई नॉट का और ई नॉट का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। ओके, तो पहले तो आई नॉट के फॉर्मूला लिख देते हैं, पर आई नॉट के हमारी फॉर्मूला कौन सी थी, आई नॉट इज इक्वल्स टू हमको मिला था सी ओमेगा ई नॉट,
आप ऐसे भी देख सकते हो, और दूसरा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें से हमको किसको सब्जेक्ट ही बनाना है, ई नॉट अपॉन आई नॉट को, ऐसा हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट हम करेंगे तो वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी। ओके, तो ये जो वन अपॉन ओमेगा सी आया उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिशन ऑफ करंट। तो ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में अपोजिशन ऑफ करंट को क्या मिला था, आर मिला था, बट आर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। देन पर इंडक्टर सर्किट में हमको अपोजिशन ऑफ करंट क्या मिला था, अपोजिशन ऑफ करंट हमको मिला था ओमेगा एल। तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, सो दैट इट इज अ डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। और इसमें हमने देखा था कि भाई अगर हम एसी करंट को हम सप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो अपोजिशन ऑफ करंट इंक्रीज होगा, अपोजिशन ऑफ करंट इंक्रीज होगा तो आपका जो करंट है वो हो जाएगा मिनिमम, इसके ब्लॉक हो जाएगा। तो ओनली इंडक्टर सर्किट में कौन सा करंट अलाउड है, ऐसा आपका क्वेश्चन है, तो आप आंसर क्या दोगे, एसी करंट या डीसी करंट। डीसी करंट इज अलाउड, व्हाई डीसी करंट इज अलाउड, बिकॉज द डीसी करंट इज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी, उसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है सो दैट अपोजिशन करंट इज ऑल्सो जीरो, सो दैट करंट इज अ मैक्सिमम, सो दैट अलाउड टू डीसी बट ब्लॉक टू एसी इन ओनली इंडक्टर सर्किट। तो वैसे हमको यहाँ पे देखना है कि भाई ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में जो वन अपॉन ओमेगा सी है उसको हम क्या नाम देंगे, वन अपॉन ओमेगा सी को हम नाम देंगे कैपेसिटी रिएक्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एक्सी, उसका सिंबल हमने बना दिया एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, और उसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ओके, और देन आप उसका भी यूनिट क्या होगा कि भाई ए भी क्या कर रहा है, करंट का अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा होगा, उसका करंट का अपोज कर रहा है वो, ठीक है। तो ये भी करंट का अपोज कर रही है तो उसका भी यूनिट क्या होगा, ओम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हम यूनिट भी लिख देते हैं, एक्सी का यूनिट है ओम, एक्सएल का भी यूनिट है ओम ही है, ठीक है। ओके, देन आप यहाँ पे मुझे इक्वल नहीं करना चाहिए बट एक्सी इज इक्वल टू ओम, ऐसा ही मुझे ए सी लिखना चाहिए, ठीक है। देन आप हम देखते हैं कि भाई ए सी सोर्स और इसके डी सी सोर्स के बारे में। ओके, तो पहले हम अलाउ करते हैं भाई ए सी सोर्स। तो ए सी सोर्स के लिए क्या होगा, एसी सोर्स के लिए ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होगी एसी सोर्स, एसी सोर्स में ओमेगा होगा, ओमेगा इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा की कोई वैल्यू होगी तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सी मीन्स का कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हमारी करंट की क्या फॉर्मूला आई, करंट की फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी। ओके, तो x की वैल्यू कम हुई तो I नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सो दैट एसी करंट हम अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे उल्टा है, इस कंपेरिजन टू इंडक्टर से उल्टा है, इंडक्टर में एसी करंट अलाउड नहीं था, डीसी करंट अलाउड था, क्योंकि इसमें ओमेगा है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मल्टीप्लीकेशन में थी, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड में है, इसलिए, ठीक है। देन आप डीसी करंट के बारे में देखिए, डीसी सोर्स के बारे में, तो डीसी सोर्स में ओमेगा होती है जीरो, अगर ओमेगा यहाँ पे जीरो पुट कीजिए तो वन अपॉइंट जीरो इज इक्वल टू क्या होती है मैथमेटिक्स में, इन्फिनाइट, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी, कैपेसिटी रिएक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। ओके, तो उसकी वैल्यू जो इन्फिनाइट हो गई तो क्या होगा, आई नॉट इज जीरो, ठीक है, तो आई नॉट जीरो हो जाएगी, करंट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सो दैट DC not allowed to pass through capacitor, ठीक है। तो यहाँ पे DC pass out नहीं हो सकती है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइनल करना है, हमारा ये फाइव स्टेप कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर हमको सिक्स स्टेप हमारा था एक वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में आपको क्या मालूम रखना है, पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ दोनों का, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू,
करंट लीड है, कितना लीड है, पाई बाई टू जितना लीड है, तो हमको वेव डायग्राम में भी करंट को लीड बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम कैसे हम ड्रॉ करते हैं। पहले मैं ई का डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई वन साइकिल, ई का डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उसका फेस होगा जीरो, यहाँ पे होगा पाई बाई टू, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे होगा थ्री पाई बाई टू और यहाँ पे टू पाई। दिस इज अ पीक वैल्यू ई नॉट, और यहाँ पे भी पीक वैल्यू होगी बट माइनस होगी, दिस माइनस ई नॉट। ओके, ये हो गया हमारा ई का ग्राफ। यहाँ पर हमको करंट का निकालना है, तो करंट लीड है, कितनी लीड है, पाई बाई टू, मींस के वो आगे है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगी तो उसकी वैल्यू पीक होगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगी। तेना पर यहाँ पे मींस के पाई बाई टू है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगी। देना पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अगर वो जीरो है तो यहाँ पे वो लीड होके यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे वो जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो उसका मैं डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम, देन आफ्टर यहाँ पे जीरो। मैंने उसका एम्पलीट्यूड भी क्या रखा, कम रखा। ये पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड से करंट का एम्पलीट्यूड कम होती है, वो भी मैंने आपको मिस के एग्जाम्पल दिया है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो करंट की फॉर्मूला होती है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो उससे हमको क्या मालूम पड़ती है कि भाई करंट की वैल्यू स्मॉल होती है एज अ कंपेरिजन टू पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो एम्पलीट्यूड हम कम रखते हैं। ठीक है, ओके, तेना पर हम उसका फेज को हम डिफाइन करते हैं। देखिए उसका फेज यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे पाई बाई टू होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा पाई और यहाँ पे थ्री पाई बाई टू। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको मालूम पड़े, और यहाँ पे है टू पाई। अब फेज डिफरेंस निकाल सकते हो कैसे, देखिए इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालिए, जीरो माइनस पाई बाई टू तो पाई बाई टू, यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई टू तो भी पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू माइनस पाई तो भी पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू माइनस टू पाई तो भी क्या आएगा, पाई बाई टू ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हम इसका वेव डायग्राम कोई भी आप इंस्टेंस में आप निकालिए, उसका फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई टू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, आई नॉट इज मैक्सिमम और आई नॉट इज मिनिमम, यहाँ पे इस माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, माइनस का क्या मीनिंग होता है, वो डायरेक्शन चेंज करती है, बट उसकी वैल्यू माइनस नहीं होती, उसका मीनिंग तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओनली फॉर डायरेक्शन चेंज होती है। चला है आपको, ओके, ये माइनस को आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन में आपको सोचना है, ऐसा नहीं सोचना कि भाई उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके, देन आप लोगों को ड्रॉ करना है कि भाई हमारा लास्ट स्टेप है फेजर डायग्राम, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं ई नॉट का, दिस इज अ ई नॉट। तो ई नॉट का फेज कितना है, मैं यहाँ पे वापस में इक्वेशन लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू, सॉरी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा। तो यहाँ पे उसका फेज बन रहा ओमेगा टी, तो मैंने लिख दिया ओमेगा टी। तेना पर आपको नेक्स्ट चार्ज देखना है कि भाई करंट, देखिए करंट कितना लीड है, पाई बाई टू जितना लीड है। ओके, तो ये हमने आई की वैल्यू ड्रॉ की, तब हमको करंट ड्रॉ करना है। और मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करना भूल गया कि भाई यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे हमको मिलेगी इफेक्टिव ई, मीन्स के इंस्टेंटेनियस ई एम बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ई एम ए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान आफ्टर यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हमने ड्रॉ कर दिया आई, आई नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ का एंगल मीन्स के उसका फेस कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप देखिए कि भाई इतना कितना होता है, पाई बाई टू होता है, और ये है ओमेगा टी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा, दिस इज राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम। ओके, देन आफ्टर ये फेजर डायग्राम आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, देखिए फेजर डायग्राम के हमको मालूम पड़ता है ई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू, देन आफ्टर ई नॉट का फेज, आई नॉट का फेज,
देन आपने कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इफेक्टिव ईएमएफ की वैल्यू और इफेक्टिव करंट की वैल्यू मालूम पड़ती है, देन आपने हमको ए भी मालूम पड़ता है उसकी इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय टू, और देन आपने हमको ए भी मालूम पड़ता है कौन सी वैल्यू लैग है और कौन सी वैल्यू लीड है। तो आई नॉट इज अ लीड इज कंपेरिजन टू ई नॉट एंड ई नॉट इज अ लैग इज कंपेरिजन टू आई नॉट, कितना लेख है पाई बाई टू जितना लेख है। देन आप हमको दूसरा क्या मालूम पड़ता है कि भाई अगले इंस्टेंस में किसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है और किसकी वैल्यू कम होने वाली है। हमको मालूम पड़ेगा कि भाई ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे देखिए अगले इंस्टेंस में वो यहाँ पे हो जाएगा तो ई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और आई नॉट जा रही है नीचे की साइड तो आई नॉट की वैल्यू मीन्स के आई की वैल्यू होगी डिक्रीज, ठीक है। और दोनों की साइन यहाँ पे कौन सी है पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है तो उसका मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एज अ एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि आपका ई नॉट यहाँ पे है, दिस ई नॉट, ठीक है, सॉरी दिस आई नॉट ओके। तो ई नॉट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ई नॉट, ऐसे जा रहा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करण ये ई नॉट है तो यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा ई, ओके। तो ए वाले में देखिए कि भाई अगले इंस्टेंस में ई की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज और आई की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे ई इज़ पॉजिटिव और आई इज़ नेगेटिव, ई इज़ पॉजिटिव एंड आई इज़ नेगेटिव, ऐसा आपको साइन को भी यूज़ करना है, ठीक है। और मैंने आपको आई मीन के स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई यहाँ पे हमने तीन सर्किट देखी, ऐसा हमने सेवन स्टेप देख लिया, ठीक है, ओके। देन आप आपको कंपैरिजन भी कंपैरिजन देखनी है कि भाई तीनों तीन को कंपैरिजन में ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई किस में कौन लीड होता है कौन लैग होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट है ना, तो इंडक्टर क्या करती है करंट को पीछे रख देती है, करंट को पीछे रख देगी मीन्स के करंट इसमें होगा लैग होगा, और कैपेसिटिव सर्किट में वो पोटेंशियल को लैग रखेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करते हैं पहले वो अपने खुद को चार्ज को फिलअप करेगा, तो चार्ज को फिलअप करेगा तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और करंट आगे चली जाएगी। तो ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में करंट आपकी लीड होती है और ओनली इंडक्टिव सर्किट में आपकी पोटेंशियल लीड होती है, ओके। देन आप ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में लीड या लैग कोई नहीं आएगा क्योंकि उसका फेज डिफरेंस ही जीरो है, ठीक है। देन आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसा बताया था कि भाई कोई भी ऐसी इक्विपमेंट है तो इसमें तीनों तीन अवेलेबल होती है, ऐसा कोई प्योर नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा तार है उसको हमने बना लिया एक इंडक्टर, तो इंडक्टर क्या करेगा एक इंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, बट एक सिंपल सा तार में भी एक थोड़ी सी वैल्यू तो होती है रेजिस्टेंस की, ओके। इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराएंगे तो पोटेंशियल में पहले जो इसमें जो चार्ज है वो चार्ज थोड़ी एनर्जी स्टोरेज कर लेगा, ठीक है, तो कैपेसिटर जैसा भी वो करेगा, ओके। तो ये तीनों तीन इसमें अवेलेबल होती है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ उसके बारे में, एवरी सर्किट हैज एज अ स्मॉल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेड अ प्योर सर्किट with only resistance, inductance and capacitance, but value can be made very very small, value can be made very very small, which are neglect, then this formula
कैन बी अप्लाई। ठीक है, और क्या बताती है आपको, एवरी सर्किट हैज अ स्मॉल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इट इज अ नॉट पॉसिबल टू मेड अ प्योर सर्किट विथ ओनली रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आप ओनली कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस सर्किट नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसमें से थोड़ी घनी भी वैल्यू रेजिस्टेंस की होती है और कैपेसिटर की भी होती है और इंडक्टर की भी होती है, बट वैल्यू कैन बी द मेड इज अ वेरी वेरी स्मॉल। बट आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, भाई ओनली इंडक्टर सर्किट है तो इंडक्टर सर्किट का बिहेव इसके विथ कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कंपैरिजन में उसका हाई होगा, ऐसा आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको हम निग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाई। ओके, देन आप ऐसी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, निग्लेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों तीन मिस्टर सर्किट हमने देख ली, ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टेंस एंड ओनली कैपेसिटेंस। ओके, दिस तीनों तीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है। ठीक है।